व्हाट्सएप पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी आई एम गोइंग बैक टू माय होम फ्रॉम माय ऑफिस। तो मैं ऑफिस आज की एटीएम आरसी लेकर आया था, व्योम भैया वाली। अपन लोग चलते हैं। रोड मोड ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। रोड मोड के अलावा जो सुपर मोटो मोड है वो मैंने अभी एक्टिवेट नहीं करा है, तो अपन अभी रोड मोड पर ही चलते हैं। क्योंकि क्या, उसमें सिटी में चला रहा हूँ मैं, और फिर ट्रैक्शन जो ABS होता है, ABS लॉक हो जाता है, तो ABS वो हो जाता है डिसेबल। तो ABS डिसेबल में फिर यार डर लगता है कि थोड़ा हैबिट हो गई एक तो ABS पर बाइक चलाने की, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिना सुपर मोटो मतलब रोड मोड के। रेसिंग ट्रैक पर चलानी नहीं मुझे, प्लेन हाईवे या रोड कहीं है नहीं जो मैं यूज़ करूँ सुपर मोटो मोड। तो अपन लोग अभी रोड मोड में ही चलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, काफ़ी डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में। इफ़ आई एम राइडिंग इन दैट रोड मोड तो परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी हल्की सी लगती है, बट सुपर मोटो मोड में तो परफॉर्मेंस का जवाब ही नहीं है। अपन लोग यहाँ से चल रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, सॉरी, बिकॉज अभी तो नोएडा में ही है ऑलरेडी। और दिस इज़ अगेन MIT यूनिवर्सिटी सामने जो है। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी कार्स और अच्छी अच्छी बाइक्स मिल जाएंगी देखने के लिए। ये मेरी फेवरेट कार Volkswagen Virtus, जब भी मेरे को लेनी होगी ना, मुझे लग रहा है शायद मैं Virtus ही लूँगा, बिकॉज कार इज सीरियसली लाइक ऑसम, और बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है Volkswagen Virtus। GT वाला जो वेरिएंट है ना, वो तो टर्बो वेरिएंट है, तो उसका तो जवाब ही नहीं है। बट GT के अलावा जो नॉर्मल वेरिएंट्स है, वो भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलूँगा। जैसे हाईलाइन, कम्फर्ट लाइन इज़ द बेस वेरिएंट, और हाईलाइन जो है वो अलग वेरिएंट है इसलिए। अब जैसे मैंने बाइक छोड़ दी है, बहुत प्यार से अपने आप धीरे 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 करके अच्छे तरीके से चलेगी, तो एक अच्छी चीज़ है। लोग सुकून से अब चलते हैं, थोड़ी बहुत देर बाद में अगर लगेगा तो थोड़ा थ्रॉटल लेकर के इसको पंप देंगे बाइक को। थर्ड गियर में भी आराम से, अगर मैं फोर्थ या फिफ्थ गियर में भी उसको उठाता हूँ ना, तो परफॉर्मेंस में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कहीं भी लैग करे। यार पता है इसमें ना एक इशू है, मतलब कंपनी से लेने के कुछ टाइम बाद ही, अभी ज़्यादा सेकेंड सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। 15 तक इज़ अ डेट फॉर इट्स सेकेंड सर्विस, तो सेकेंड सर्विस कराने का भी है इस बार। तो इसमें पता है क्या दिक्कत है कि यार ये मतलब आगे से किट 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 आवाज़ करती रहती है कंटिन्यू, तो आवाज़ ना बहुत अनॉइंग लगती है। अभी अगर वैसे शायद ही आ रही हो आवाज़, लेकिन वो कर रही, समझ में नहीं आ रहा। जब से बाइक लिए पता है डिलीवरी लेने में इतना इशू हुआ। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। यार डिफेंडर मुझे वापस पीछे से जाना था वैसे, तो डिलीवरी लेते टाइम भी बहुत इशू हुआ था। बाइक बुक करा दी, फिर कैंसिल हो गई बुकिंग, और अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये नहीं है वो नहीं, बहुत नौटंकी हुई थी इस बाइक के लिए। तो बट कोई नहीं, एट लास्ट बाइक मिल गई, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा KTM के साथ व्योम भैया का, क्योंकि उनको ही काफ़ी दिक्कतें या जो भी प्लस पॉइंट्स या जो भी माइनस पॉइंट्स लगे थे, वो एक अच्छे से मैं वीडियो में बताऊँगा। बीच में उनका था कि उनको एडवेंचर मिल रही थी, फिर उनको RC लेनी पड़ी, या RC मिल रही थी एडवेंचर लेनी पड़ी, ये तरीके करके कुछ चीज़ें काफ़ी सारी थी। तो उनको देखते हुए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है व्योम भैया के साथ। बट होता है ऐसा, चलो होता है ना कि वो नोएडा में, मैं आगरा होता हूँ, तो हम लोगों का टाइम और वो सब चीज़ें सूट नहीं कर पाती, जिस वजह से वीडियो बनाने वाली चीज़ हो नहीं पाती है। ये दिस इज़ माई प्रीवियस ऑफिस, ये जो सामने बिल्कुल इको टावर है, ये मेरा प्रीवियस ऑफिस था। लास्ट ईयर मैं यहीं पर वर्क करता था, तो अब भी ऑफिस उसी एरिया में है, बट बिल्डिंग चेंज हो चुकी है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। पीपल आर एक्चुअली स्टारिंग मी की और डैम डैम। खैर अब ये कोई न्यू और एस सच नहीं रहा नोएडा, एटलीस्ट स्पेशली इन NCR रीजन। थ्रॉटल में जो पावर आती है ना भाई, उसका मजा ही अलग है।
ज़बरदस्त पावर मिलते भाई साहब, ज़बरदस्त। हंटर इतनी देर में यहाँ तक नहीं आ पाती, लेकिन स्टिल हंटर इज हंटर एंड KTM इज KTM। व्योम भी अगर पीछे बैठे होते ना ऐसे में तो डेफिनेटली बोलते या तो गिर जाते या मेरे पापा को फोन कर देते कि मामा जी अमन इतनी बदतमीजी से बाइक चलाता है। कभी कभी चलाता हूँ मैं यार, हमेशा का नहीं है ऐसे, हमेशा तो मैं ऐसे अब प्लेन रोड आ जाएगी मैं स्लो चलाऊँगा बाइक आराम से, तसल्ली से, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी की झंझट के। लेकिन मज़ा आता है कुछ भी कहो, मतलब बहुत मज़ा आता है। मेरा मन कर रहा है व्योम्बिया से ले लूँ कि यार ये मेरे पास छोड़ दो और हंटर कुछ टाइम के लिए ले लो, उनको भी मज़ा आता है हंटर चलाने में, उनके लिए थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है हंटर चलाना और मेरे लिए इसको चलाना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी क्लासिक लुकिंग में ये रेसिंग उसमें है। इसलिए अभी हम शायद नहीं, अभी उस वाले रूट से नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए यहीं से निकलेंगे, हम लोग यू टर्न मार के DND फ्लाईओवर से। और इसी तरीके से अपने पता कोशिश करा करूँगा कि मोटो व्लॉग इस तरीके से बनाऊँ जिससे कि काफ़ी टाइम हो गया है, ऑडियंस भी थोड़ी सी नाराज़ है चीज़ों को लेके कि व्लॉग से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो वो आई विल मेक श्योर कि अब से ऐसा नहीं हो और मैं व्लॉग्स बनाऊँ सही तरीके से। एंड आई विल बी रेगुलर, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एनी हाउ। मैं थोड़ा सा रास्ते को लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली मैं इस एरिया से गया नहीं हूँ। यार ये बहुत बहुत ज़्यादा अनोइंग है आवाज़, अभी सेकंड सर्विस पर जब बाइक जाएगी ना तब एक आवाज़ चेक करवानी है कि आगे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। एंड पता है जैसे मैंने बाइक आज ऑफिस में आया था तो सुबह बाइक खड़ी करी मैंने, खड़ी करने पर इतनी ज़्यादा वो आवाज़ वही रेडिएटर की आ रही थी, क्योंकि रेडिएटर ऑलरेडी वर्किंग में था बाइक का और उसको हीट हो रही थी बाइक ऑलरेडी, तो हीट की वजह से रेडिएटर उसको कूल डाउन कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उस चीज़ की। दिस इज़ मेट्रो स्टेशन, अपन चलते हैं। एक रास्ता ये भी है यहाँ से यू घुमा करके जा सकते हैं, बट वहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं सीधे से ही जा रहा हूँ। फ्यूल भी रिफ्यूल कराना है इसमें, दो पॉइंट आ गए हैं क्योंकि फ्यूल के भी। तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट टाइप ऑफ एग्जैक्टली वीडियोस यू वांट, एंड उसके साथ ही कि वीडियोस जो हैं प्रॉपर वो उसमें क्या क्या मेरे को कवर करना चाहिए, जैसे जस्ट लाइक इफ़ आई एम राइडिंग बाइक तो मुझे क्या शेयर करना है। एक्सपीरियंस तो आई एम कंटिन्यूसली शेयरिंग कि मुझे जो भी चीज़ें फील हुई हैं इस बाइक में अभी तक वो भी मैं कंटिन्यूसली बता ही रहा हूँ। डिसएडवांटेज बाइक में पता ये रहेगा, जैसे मतलब बोलते हैं होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है या हो, तो यूजुअली क्या होता है कि इवन नॉट अबाउट गर्ल्स, लाइक इट्स लाइक कि अगर कोई लड़का भी आपके साथ बैठा है और आपके पीछे पूरा सपोर्ट दे करके बैठ रहा है ना वो, तो आपको परेशानी होगी बाइक, क्योंकि जितना भी लोड उठता है ना आपके इन हाथों पर आता है पूरा। एंड ग्लव से थोड़ी बहुत राहत मिलती है, बट इवन इफ़ यू आर नॉट वियरिंग एनी ग्लव्स तो वो और ज़्यादा दिक्कत होगी आपके लिए डेफिनेटली। इसलिए सजेस्ट करते हैं कि पीछे अगर कोई भी बैठा हो तो उसका जो पूरा लोड हो ना वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आपके ऊपर पूरा लोड आएगा तो यू विल फील पेन इन योर हैंड्स। इवन अभी भी मुझे लगता है एट सम पॉइंट बहुत कम लगता है वैसे कि हाथों में दर्द हो रहा है, अदरवाइज़ ऐसा दर्द भी बहुत ना के बराबर ही होता है। यार ट्रैफिक, काफ़ी ट्रैफिक है।
लाइट का ही ट्रैफिक है वैसे यहाँ पर, तो लाइट के अलावा ट्रैफिक ऐसे कभी नहीं लगता है। वैसे पता एक चीज़ है, जैसे ये वाली बाइक है तो स्पोर्ट्स लुकिंग में है ये, तो स्पोर्ट्स में फेयरिंग वाली बाइक्स में क्या होता है, आपको वीडियो या कुछ करना है तो कैमरा ना ये वाला एंगल इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाता जितना कंपैरेटिवली जो क्लासिक्स होती हैं या फिर जिनका हैंडल थोड़ा ऊपर जा कर के, तो इसलिए एडवेंचर बाइक्स उसमें बहुत अच्छे से कवर होता है। तो बट कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कवर कर लें पूरा रोड और हैंडल बार्स। सो गाइस, इसी के साथ मुझे लगता है व्लॉग ख़त्म करना चाहिए अपने को, एंड मैं भी घर पहुंचता हूं टाइम से। मोड हमने सुपर मोटो मोड नहीं, आई नो कि नहीं यूज़ करा है, बट इसके साथ ही हम लोग सुपर मोटो मोड वो करते हैं यूज़। और यहीं के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप यू लाइक दिस।